यूरिनरी कैथेटर के बारे में देखेंगे। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है विच इज़ यूज टू एम्प्टी द ब्लैडर एंड टू कलेक्ट यूरिन इन अ ड्रेनेज बैग। इसको स्पेशली डॉक्टर और नर्सेस ही रेफर कर सकते हैं। इसका पार्ट्स अगर देखेंगे तो फर्स्ट वन इज़ बलून पॉट, दूसरा यूरिन ड्रेनेज पॉट होता है, फिर एक बलून होता है और एक ब्लैडर ओपनिंग होता है। टाइप्स ऑफ कैथेटर देखेंगे तो तीन टाइप्स के कैथेटर होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज़ इन ड्वेलिंग कैथेटर, सेकेंड वन इज़ इंटरमिटेंट कैथेटर जो कि शॉर्ट टर्म कैथेटर भी होता है, और थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल कैथेटर। अब इन ड्वेलिंग कैथेटर क्या होता है, तो स्पेशली इसको रिटेंशन कैथेटर बोलते हैं। जो भी फ्लूइड्स टेम्प्रेरी हमको ड्रेन करना है तो उसमें हम लोग इनड्वेलिंग कैथेटर का यूज़ करते हैं। ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि क्लाउड कैथेटर, मेल कोट कैथेटर, फॉलेस कैथेटर और यूरेट्रिक कैथेटर। तो यूरेट्रिक कैथेटर है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन वे कैथेटर, टू वे कैथेटर एंड थ्री वे कैथेटर। वन वे कैथेटर का यूज़ स्पेशली यूरिन को ड्रेन करने के लिए, जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में हम लोग करते हैं। टू वे कैथेटर का यूज़ जनरली हम लोग करते हैं, और थ्री वे का यूज़ हम लोग इरिगेशन पर्पज़ के लिए करते हैं। क्लाउड कैथेटर किसको बोलते हैं, कैथेटर विच हैव अ 45 डिग्री बेंड एट द टिप दैट फैसिलिटेट्स ईजियर पैसेज थ्रू एन एनलार्ज प्रोस्ट्रेट। मतलब कि जो भी प्रोस्ट्रेट होगा वहाँ से ईजिली यूरिन का पैसेज कराना, और इसके टिप पे वो 45 डिग्री का एक बेंड होता है। फिर जो सुप्रा प्यूबिक कैथेटर है, इसको जनरली हम लोग सुप्रा प्यूबिक रीजन में इंसर्ट करते हैं एक स्मॉल होल बना के। ये जनरली एनेस्थेशिया दे के किया जाता है, जो कि एक डॉक्टर करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मशरूम कैथेटर, मेल कोट कैथेटर। यूरेट्रिक कैथेटर जो होता है, इसको स्पेशली हम लोग जब स्ट्रक्चर हो जाता है यूरेटर में उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। इसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्लैडर में इनटू द रीनल पेल्विस विद द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप। फॉली कैथेटर देखते हैं, ये तीन टाइप्स के होते हैं। इसको मेनली डिवाइड किया गया है उसके ल्यूमेन के आधार पर। जो वन वे कैथेटर है वो वन चैनल फॉर यूरिन ड्रेनेज होता है उसमें, यूज़ फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड यूरिनरी ड्रेनेज। जो टू वे कैथेटर होता है उसको, उसमें जो दो पोर्ट होते हैं, एक से हम लोग यूरिन का ड्रेनेज कराते हैं और दूसरे से हम लोग 10 ml एनस को इंसर्ट करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, फिर हम लोग बलून को मोस्टली उसको हम लोग इनड्वेलिंग कैथेटर भी बोलते हैं। जो थ्री वे कैथेटर होता है उसमें ट्रिपल ल्यूमेन होता है। उसमें पहला जो होता है उसका पहला ल्यूमेन का यूज़ हम लोग यूरिनरी ड्रेनेज के लिए करते हैं, दूसरा ल्यूमेन का यूज़ हम लोग इन्फ्लेशन ऑफ बलून के लिए करते हैं, और थर्ड जो होता है वो हम लोग इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर कोई भी मेडिसिन है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ये स्पेशली UTI में यूज़ होता है। और दूसरा जो इंटरमिटेंट कैथेटर होता है, ये शॉर्ट टर्म का होता है, नोन एज शॉर्ट टर्म कैथेटर और स्ट्रेट और आउट कैथेटर। इसको K90 भी बोलते हैं। दिस इज़ यूज्ड इन कंडीशन वेयर पेशेंट नीड आइदर शॉर्ट टर्म कैथेटर बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और एज अ डेली हैबिट फॉर लाइफ। इंटरमिटेंट कैथेटर इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल ब्लैडर एम्प्टींग। अगर इसके कोटिंग के आधार पर देखें तो इसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आता है एंटी माइक्रोबियल कैथेटर, सेकेंड क्लोज सिस्टम कैथेटर, थर्ड PVC कैथेटर, फोर्थ रेड रबर कैथेटर, फोर्थ सिलिकॉन कैथेटर, हाइड्रोफिलिक कैथेटर, ओलाइव टिप कैथेटर, टेमन टिप कैथेटर, क्लाउड टिप कैथेटर, स्ट्रेट टिप कैथेटर। इंटरमिटेंट कैथेटर का यूज़ हम लोग यूरिनरी रिटेंशन के लिए, इनकॉन्टिनेंस के लिए, ब्लैडर डिसफंक्शन, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, प्रोस्ट्रेट इनलार्जमेंट या फिर ब्लैडर डिसफंक्शन के लिए करते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ कैथेटर इनटू अ ब्लैडर सेवरल टाइम्स अ डे टू ड्रेन यूरिन एंड देन रिमूविंग इट।
दिस प्रोसेस इज़ टिपिकली रिपीटेड आफ्टर एवरी 4 to 8 hours और एज नीडेड। फिर जो लास्ट जो टाइप होता है वो होता है एक्सटर्नल कैथेटर, या फिर इसको कॉन्डम कैथेटर भी बोलते हैं। दिस इज़ प्लेस्ड ओवर द पेनिस एज अ कॉन्डम। इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव एक्सटर्नल डिवाइस डैट कलेक्ट यूरिन इन अ ड्रेनेज बैग, एलिमिनेटिंग द नीड्स फॉर इंसर्टिंग इन टू द यूरेथ्रा। इसको हम लोग इंसर्ट नहीं करते, एक्सटर्नली प्लेस करते हैं बाहर से ही, लाइक पेनिस के ऊपर जैसे कॉन्डम को इंसर्ट करते हैं उसी टाइप से ये कैथेटर को भी हम लोग प्लेस करते हैं। और ये सिंपली इसमें एक ट्यूब रहता है जो कि ड्रेनेज बैग में यूरिन को कलेक्ट कराता है। इसका इंडिकेशंस है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रिटेंशन, ड्रिबलिंग, नीड टेम्पररी यूरिनरी ड्रेनेज, हैव यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर, यूटीआई रिस्क, नॉन इन्वेसिव अल्टरनेटिव टू इनड्वेलिंग कैथेटर। जो कॉन्डम कैथेटर होता है इसमें एक फ्लेक्सिबल सिलिकॉन लैटेक्स सीट होता है दैट फिट ओवर द पेनिस, एक एडहेसिव स्ट्रिप और स्ट्रैप टू सिक्योर द कैथेटर इन प्लेस, और ड्रेनेज ट्यूब होता है दैट कनेक्ट टू अ कलेक्शन बैग। ये इसके पार्ट्स हैं। अब हम लोग कौन से कैथेटर को कितने टाइम के लिए रख सकते हैं? जो प्लास्टिक कैथेटर है उसको हम लोग 1 week तक रख सकते हैं, उसके बाद हमको उसको चेंज करना पड़ता है। जो रबर कैथेटर है जो कि लैटेक्स का बना हुआ है उसको 2 to 3 weeks तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो पीवीसी कैथेटर है उसको हम लोग 4 to 6 weeks तक यूज़ कर सकते हैं। जो सिलिकॉन कैथेटर है उसको हम लोग 2 to 3 months तक यूज़ कर सकते हैं। अगर कैथेटर का साइज़ देखेंगे तो इन्फेंट में 5 to 8 फ्रेंच गॉज होता है, चाइल्ड में 8 to 10 फ्रेंच गॉज होता है, अडल्ट फीमेल में 12 to 16 फ्रेंच गॉज होता है, और एडल्ट मेल में 16 to 26 फ्रेंच गॉज होता है। ये कलर कोडिंग है कैथेटर का। अगर येलो ग्रीन कलर है तो उसका नंबर 6 है, अगर ब्लू कलर का है तो वो 8 नंबर का है, ब्लैक है तो 10 नंबर का है, वाइट है तो 12 नंबर का है, और ग्रीन है तो 14 नंबर का है, ऑरेंज है तो 16 नंबर का है, रेड है तो 18 नंबर का है, येलो है तो 20 नंबर का है, एंड पर्पल है तो 22 नंबर का है, एंड ब्लू है तो 24 नंबर का है, ब्लैक है तो 26 नंबर का है। थैंक यू।